26 नवंबर संविधान का जन्मदिन 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने का, भारत में कमीशन होने का, भारत में इसको पूरी गवर्नमेंट को चलाने का नियम बनाने का दिन। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, और अगर इसे हम पाली भाषा में कहें तो इसको बोलेंगे लोकतंती। लोकतंती का मतलब है, तंती का मतलब होता है यहां पर, जो संस्कृत भाषा में बाद में बोला गया है तंत्र, और तंती का जो शाब्दिक अर्थ है उसको बोलते हैं लाइन, या उसको बोलते हैं टेक्स्ट, यानी शब्द अक्षर या ग्रंथ जो लिखा गया है, चाहे वो पत्थर पे है, चाहे वो मन पर है, चाहे वो बताया गया है, चाहे वो बोल के बरवली बताया गया है, जो तंत्र होता है ग्रंथ का, यानी तंती का ग्रंथ, इसको ग्रंथ बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, या इसको बोला जाता है परंपरा, यानी जो परंपरा चली आ रही है वो सिस्टम की। तो तंती मूल शब्द है, लोकतंती बोलते हैं इसको, लोकतंत्र बाद में बोला, और लोगों का तंती यानी लोगों की परंपरा, लोगों का टेक्स्ट, लोगों के नियम, लोगों का ग्रंथ। ये जो 26 जनवरी का दिन है जिसको आज आप बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, ये इसलिए बड़े कमाल का दिन है क्योंकि इसमें एक तंती यानी एक तंत्र, एक सिस्टम लागू हुआ। वो सिस्टम अपने आप में बहुत खास है, लोगों का सिस्टम है, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। ये सारा का सारा जो तंती है, तंत्र है, सिस्टम है, परंपरा है, रिवायत है, या टेक्स्ट है, या ग्रंथ है, या चलाने के नियम है, या अपने आप को रेगुलेट, अपने आप को सही तरह से काम करने के नियम हैं, ये लोगों ने बनाए हैं। और किसके लिए बनाए हैं? लोगों ने अपने लिए बनाए हैं। और किसके हैं? ये लोगों के ही हैं, लोगों की संपत्ति है। यानी जो संविधान है भारत का, वो लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए हैं, और लोगों का ही है। ये अपने आप में बड़े कमाल की बात है क्योंकि संविधान के अंतर्गत, संविधान के नीचे सारी संस्थाएं पूरी की पूरी जितनी भी हैं वो सब आती हैं, क्योंकि लोगों ने बनाया है, लोगों ने नियम बनाए हैं, और ये नियम बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं ताकि इसमें लोग आराम से, सुख से, शांति से रह सकें। इसलिए सारी संस्थाएं जितनी भी हैं, जो देश में जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस या ऑफिसेस या जितने भी दफ्तर चलते हैं, वो सब इसी से चलते हैं, इसी के नियम से चलते हैं। इससे बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई न्यायपालिका है, ना ही कोई विधायिका है, और ना ही कोई और भी संस्था है। तो संविधान से बड़ा क्या है? संविधान के अंतर्गत लोकसभा भी आती है, संविधान के अंतर्गत विधायिका सारी आती है, तो संविधान से बड़ा क्या है? संविधान से बड़ा है संविधान को बनाने वाले लोग, क्योंकि ये लोगों की संपत्ति है। ये लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टियां हैं, देश के अंदर जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है, वो सब यहाँ के संविधान के तहत लोगों की है। लोक सभा, लोक संपत्ति, लोक नायक, लोक के अधीन, यानी कि लोग ही इसको बिगाड़ते हैं, लोग ही इसको बनाते हैं। इसलिए संविधान को बनाना और संविधान को चलाना ये लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों के लिए ये मान्य है। इसी में से लोग कुछ लोगों को चुनते हैं जो नियम बनाते हैं, इसी में से लोग कुछ लोगों को नौकरियां देते हैं जो सरकारी सिस्टम को चलाते हैं, इसी में से लोग चुन के कुछ पब्लिक सेक्टर की इकाइयां बनाते हैं जो उनके लिए प्रोडक्शन करती हैं, खाती पीती हैं, इसी में से लोग चुनकर कुछ नियम ऐसे बनाते हैं जिससे किसानों को, मजदूरों को, सबको फायदा हो, इसी में से चुनकर कुछ लोग शिक्षा के लिए पद्धति बनाते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो ये बहुत अच्छा है, और इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा नहीं है। दुनिया कहती है कि संविधान और भारत का लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सारी दुनिया मानती है, 20 से ज़्यादा देशों ने इसको कॉपी किया है, आगे भी इसको कॉपी करते रहेंगे, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये लोगों के कल्याण के लिए बना है, लोगों के द्वारा बना है, लोगों के लिए बना है, और लोगों का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए इस रिपब्लिक डे पे, इस गणतंत्र दिवस पर, इस लोकतंत्र दिवस पर, इस लोगों के दिन पर, जबकि संविधान कायम हुआ है, आप सभी को हैप्पी इंडिया, हैप्पी इंडियंस, हैप्पी रिपब्लिक डे,
और थैंक यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी धन्यवाद संविधान, या शुक्रिया आइन, भारत के आइन को शुक्रिया, धन्यवाद।